हेलो गाइस वेलकम टू स्कॉलरशिप्स पाथवे आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज एक और वीडियो के साथ जमा दे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा 149 PMA नाइन पी लॉन्ग कोर्स ये पाकिस्तान आर्मी की जानब से लिया जाता है जो पहले अप्लाई करते रहे हैं उनको पता होगा जो नहीं कर अप्लाई करते या जिनको नहीं पता तो मैं पूरी डिटेल के साथ इसी वीडियो में बात करूंगा लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो आपने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन आपने कर देना है ऑन ताकि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहें जो स्कॉलरशिप्स इंटर्नशिप्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के हवाले से होते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल होता है वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं अगर किसी भी हवाले से कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपकी हेल्प भी कर दी जाती है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे सबसे फर्स्ट जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है जो है आ, आपको यहाँ पे शो होगा कि हाउ टू जॉइन ठीक है तो यहाँ पे पी एम एल लॉन्ग कोर्स है आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी साइट पे चले जाएंगे जहाँ पे रेगुलर कमीशन या फिर आ, मतलब एक जो है वो पी एम एल लॉन्ग कोर्स का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी तो ये जो है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा यहाँ पे पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप यहाँ पर कम्प्लीट देख भी सकते हैं तो ये देखें जेंडर जो है वो मेल के लिए है अनमेरिड या मेरिड सर्विंग पर्सनल ऑफ़ आर्म्ड फोर्सेस ओवर ट्वेंटी इयर्स ठीक है तो ये सारा यहाँ पे डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है अब मेन मसला यहाँ पे आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है ठीक है क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए एफ या एफ होनी चाहिए ठीक है तो मतलब इंटरमीडिएट वाले जो है आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर फ़ॉ एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट हु सिक्योर सिक्सटी परसेंट मार्क्स अब बी एस सी बी एस सी ऑनर्स एंड बी बी ए बी ए विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एफ एफ एस सी आर एलिजिबल टू पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स तो ये सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर यहाँ पर जो है वह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मार्क्स एफ एफ एस सी इक्वलेंट आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद सर्विंग आर्मी सोल्जर्स होप सर्टिफिकेट आपको जो है रिक्वायर्ड होगा अगर आपका अभी तक इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया तो आपने जो है वो एफ पार्ट टू का रिज़ल्ट नहीं आया तो आपने क्या करना है आपने एफ पार्ट वन की मार्कशीट के साथ होप सर्टिफिकेट लेना है जहां से आप जिस कॉलेज में आप अभी स्टडी करते हैं तो वहां से वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वेरीफिकेशन ऑफ मार्कशीट जो है यहाँ पर नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट्स ऑफ डुप्लीकेट रिवाइज यहाँ पर जो है ये वेरीफिकेशन आपका होना ज़रूरी है ए लेवल के एंड अपलाइंग यहाँ पर कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वाइस रिजेक्टेड बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आई एस एस बी ट्वाइस स्क्रीनड आउट बाय दी इंटर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब अगर किसी ने दो बार अप्लाई किया है तो वो अप्लाई कर सकता है लेकिन थर्ड टाइम आपने अप्लाई किया तो वो आपका लास्ट होगा उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टेड विद इन फोर मंथ्स या वन ट्वेंटी डेज गैप ऑफ प्रीवियस अपीरेंस इन इंटर सर्विस सिलेक्शन आपका जो है वो फोर मंथ्स का गेप होना चाहिए अगर आप जो है वो अभी अपेयर हो रहे हैं तो इसके लिए आपका फोर मंथ्स का गेप होना ज़रूरी है <coughs> उसके बाद यहाँ पे डिसमिस्ड रिमूव्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन कॉन्वेक्ट इनरपोर्ट यहाँ पे ये यह सारे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं ये पढ़ सकते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है इसका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर ईदर थ्रू इंटरनेट और बाई विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन सेंटर और रिक्रूटमेंट सेंटर्स ए एस एंड आर सी एस फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट तो ये उसका इंटरनेट का बताया जा रहा है अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं The candidate can register on website uh, www.joinpakarmy.gov.in. Date and time of test shall be intimated on internet for which the individual should have an email account. Candidates will report on exact date and time given for pre. प्रिलिमिन्री टेस्ट ऑन कंप्यूटराइज रोल नंबर स्लिप डेट वंस गिवन विल नॉट बी चेंज कैंडिडेट मस्ट अटेंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट विल बी कंडेड ऑन कंप्यूटर्स रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन सेंटर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर यह है कि कैंडिडेट्स में रिपोर्ट एट नियरस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर अलॉन्ग विद नेरी डॉस्पेक्ट फी फॉर ऑफ कम्पलीशन रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कैंडिडेट विल ब्रिंग दीज ऑन द डे ऑफ टेस्ट एज वेल तो ये सारी रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स uh, हैं ऑनलाइन की और आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाकर रजिस्ट्रेशन करने की उसके बाद क्या होगा पार्लियामेंट्री सिलेक्शन रिटर्न एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें यहाँ पे क्लियर किया गया है कि टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्राम इंग्लिश मैथ्स पाकिस्तानी स्टडीज इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज द कैंडिडेट्स डिक्लेयर सक्सेसफुल इन रिटर्न इंटेलिजेंस टेस्ट विल अंडर गो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यूज एट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स फिजिकल टेस्ट क्या है देख आ, अब ज, जैसे ही आप ये टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद फिर आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर आपको जो है आपकी जो रनिंग टेस्ट होगा वो होगा जो 8 मिनट्स में आपको क्लियर करना है पुशअप्स जो है आपके फिफ्टीन रिपीटेशनस इन टू मिनट्स आपको जो है फिफ्टीन पुशअप्स लगाने होंगे दो मिनट्स में सिटअप्स करने होंगे ट्वेंटी वो भी उसके लिए भी टाइम जो है वो दो मिनट्स है चिनअप्स करने होंगे आपको तीन उसके लिए टाइम जो है वो दो मिनट्स है डिच क्रॉसिंग सेवन इंटू सेवन जो है वो सेवन बाई सेवन बाई फोर इंटू सेवन बाई फोर एंड फोर डीप तो ये डिच क्रॉसिंग होगी तो ये डिच क्रॉसिंग होगी अगर आपको नहीं पता डिच क्रॉसिंग क्या है तो आप गूगल भी कर सकते हैं इजीली आपको क्लियरिफाई हो जाएगा Successful candidates will be interviewed at army selection and recruitment centers and shortlisted for inter services selection board test. Successful candidates will receive notice for inter service selection board test through websites as well as call up letter. तो ये आपको जो है वो मतलब अगर select होते हैं आप या फिर आप clarify करते जाएंगे तो वो आपको आप जो है वो update करते जाएंगे आपके जो है वो call up letter के through या फिर website या फिर email के through आपको पता चलता जाएगा फ़र्दर सिलेक्शन प्रोसीजर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद फिर पाकिस्तान नेशनल रिजाइनिंग एब्रॉड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेकिन ये सारा एक साइड हो गया सब कुछ हो गया आपने चेक कर लिया ईच एंड एवरी थिंग अब आ, अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है तो आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पे आना है जॉइन नाव पे आपने आना है जॉइन नाव पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे ये यह देखें यहाँ पे इन सारे कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन है अब यहाँ पे सोल्जर्स रिक्रूटमेंट है एरोनाटिकल इंजीनियर्स है आर्मी मेडिकल कैडेट्स है उसके बाद यहाँ पे है वन फोर नाइन पी लॉन्ग कोर्स ठीक है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है इसकी कोर्स डिटेल देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं एग्ज़ाम स्लिप भी आप चेक कर सकते हैं कोर्स डिटेल अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यह सारा सेम हमें जो है वो पता चल जाएगा उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करना है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सिंपली और रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह सारा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड करनी है जो भी आपके पास पास डिटेल है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है उसके बाद आप जैसे ही ये कंप्लीट फिल करेंगे उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन uh, देनी है अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं उसके बाद फिर आप ये जो है वो ये कोड देंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे uh, मतलब आप जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो यहाँ पे आपने सिंपल ये कोड देना है और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे कुछ दिन के बाद या फिर 24 घंटे के बाद या फिर एक दो दिन के बाद आपने जैसे ही आना है यहाँ पे आप एग्ज़ाम स्लिप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपने क्या करना है अपना सी एन आई सी इंटर करना है या फिर आपके पा आप, आपका जो है वो फादर का सी एन आई सी भी एंटर करना है यहाँ पे उसके बाद फिर आपने इसी इमेज को यहाँ पे वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्लिप प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं और आर्मी से, मेडिकल सेंटर पे ले जा सकते हैं तो वाइज देट्स फॉर टुडे आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर गुड बाय